लगते हैं तो व्यक्ति छटपटाने लगता है, बेचैन हो उठता है।
पड़े हुए सांसारिक जीवन से, तो इन विषय वासनाओं के भोग के जो दुष्परिणाम है उन दुष्परिणामों से क्यों व्याकुल होकर के छटपटा रहा है। तो जितना छटपटाने का प्रयास करेगा, जितना तू इनसे बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तुम्हारा मन इनमें और अधिक लिप्त होता चला जाएगा। अर्थात सांसारिक विषय भोगों में लीन व्यक्ति यदि कितना भी प्रयास करे उनसे मुक्त होने का, एक बार यदि व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो गया है, वो माया की जाल में उलझ करके रह गया है, तो फिर उसका दुष्परिणाम जान करके यदि वो कितना ही प्रयास करे उनसे मुक्त होने का, किंतु जितना मुक्त होने का प्रयास करेगा उतना ही उनमें और अधिक लिप्त होता चला जाएगा। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रभु भक्ति में लीन रहे, सांसारिक विषय वासनाओं से स्वयं को मुक्त रखे। फिर देखते हैं बत्रस लालच लाल की। अब वहाँ तक तो कोई बिहारी के नीति और भक्ति के दोहे थे, और उन्हें बड़ा सा उसने पाठ नीचे में कि कभी बिहारी के दोहे जो नीति भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, बिल्कुल प्रश्न भी आता है आपके इससे संबंधित कि कभी बिहारी के दोहे नीति भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, पाठ्य पुस्तक संकलित दोहों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल आपको एक नीति परक दोहा, भक्ति परक दोहा और श्रृंगार परक दोहा, यानी कि तीनों के दोहे लेकर के और बहुत सुंदर तरीके से आपको अभिव्यक्ति देकर के अपना उत्तर सुंदर बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब जो ये दोहे हैं कभी बिहारी के और श्रृंगार से संबंधित है, ठीक है। तो बत्रस लालच लाल की मुरली धनी नुगार, श्रृंगार रस का बहुत सुंदर दोहा है ये। सोह करे मोहन मुसे देन कहे नटी जाए। देखें बत्रस अर्थात बातों के रस का आनंद, लालच नहीं, लालच में मोह में लाल है श्री कृष्ण। मुरली धरी यानी धनली रखी, नुका यानी छिपा करके, वो सोह करे, सोह करे की कसम खाती है, मोहन मुसे वो उसे अखती है चारों से संकेतों से, देने को कहते हैं नटी जाए अर्थात मना कर देती है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि बिहारी कि गोपियां श्री कृष्ण से बातों के रस का आनंद पाने के लालच में आकर के श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख लेती है। बत्रस लालच लाल की मुरली धरी दुकाय, श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख लिया। सोह करे मोहन मुसे देव कहे नटी जाए, अब जो कृष्ण को पता चलता है उनकी सबसे प्रिय वस्तु है उनकी मुरली, और जब क्षण भर के लिए जब उन्हें नहीं मिलती है तो वे व्याकुल हो जाते हैं और दौड़ते हुए सीधे गोपियों के पास जाते हैं। श्री कृष्ण को पता है कि उनकी वस्तु को न गोपियों ने ही चुराई है, उनके अलावा किसी का साहस नहीं होता उनकी वस्तु को स्पर्श करने का। तो गोपियों के पास जाकर के बोलते हैं कि भाई मैंने मुरली देखी है तुमने कहीं, यदि तुम्हारे पास है तो दे दो। तो गोपियाँ कहती है सोम करे हम कसम खाती है कि हमने तुम्हारी मुरली नहीं देखी। मोहन से मोह ही मोह में संकेतों ही संकेतों में हंस करके ये संकेत भी दे देती है कि मुरली हमारे ही पास है, ऐसे तो कसम खाती है किंतु ऐसे इशारों से हंसती है। तो कृष्ण को पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो मेरी मुरली इन्हीं के पास है। तो जब कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि मुरली जो है वो इन्हीं गोपियों के पास है, तो देने को कहते हैं, मांगते हैं कि लाओ दे दो मेरी वस्तु, दे दो मेरी मुरली। तो देख कहे नटी जाए, जब कृष्ण मुरली देने के लिए कहते हैं तो गोपियाँ मना कर देती है, यानी कि गोपियाँ एक तरफ तो कसम खा रही है और एक तरफ भूमों में हंसती रही है। तो वो हंस इसलिए रही है क्योंकि उन्हें पता है कि यदि कसम पूरी कसम खाएगी तो कामना चले जाएगी, यहाँ से कृष्ण चले जाएंगे बिना मुरली लिए, और बातें कैसी होगी, मतलब जिस उद्देश्य से मुरली छिपाई है वो उद्देश्य तो पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। तो गोपियाँ क्या करती है, सोह करे मोहनी हंसे, कसम खाती है कि नहीं ली हमने तुम्हारी मुरली, और फिर संकेतों में हंस भी देती है जिसे कृष्ण को शक होता है बल्कि विश्वास होता है कि मुरली इन्हीं के पास है, तो मांगते हैं तो देने से मना कर देती है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें करने का आनंद पाने के लालच में गोपियों ने उनकी मुरली को छिपा करके रख लिया। संयोग श्रृंगार का बहुत सुंदर उदाहरण है ये। नाजी अचानक ही उठे बिनु पावस मन मोर, जानती हूँ नंदित करी यह दिशी नंद की ओर। अब देखिए कोई गोपी है, कोई गोपी अपनी सहेली से कहती है, अपनी सखी से कहती है कि हे सखी देखो मैंने देखा है कि अचानक ही मन की मूर नाचने लगी है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। नाजी अचानक ही उठे बिनु पावस, बिना प्रसाद के मन मूर बन की मूर नाच रही है, जानती हूँ मैं समा
इसका कारण भी ये बताते हैं कि शायद हवा में के कारण उनकी आंखों से अश्रु भरा।
होगी वो करना आप सभी के लिए। धन्यवाद।